Good morning, dear students. Today I am going to explain you paragraph writing. And the second part of the paragraph writing, I am going to explain you some paragraphs here. Little acts of kindness make the sum of life. Little act of kindness मतलब दयालुता के कुछ छोटे छोटे acts होते हैं, जो कर्म होते हैं, make the sum of life, वो हमारे life को, जीवन को बहुत आगे बढ़ाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं. मदर टेरेसा वंस सेड, जैसा कि मदर टेरेसा ने कहा है, वी कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स ऑन दिस अर्थ, हम महान काम तो इस धरती पर नहीं कर सकते, क्योंकि महान काम किसने किए हैं, महान काम किए हैं भगवान ने. वी कैन ओनली डू लिटिल थिंग्स विद ग्रेट लव, हम प्रेम से सिर्फ अच्छे काम कर सकते हैं. इफ वी लुक अराउंड, अगर हम चारों तरफ देखें, वी शैल फाइंड अनएंडिंग अपॉर्चुनिटीज टू ऑफ डूइंग सर्विस, हम देखेंगे हमारे चारों तरफ काम ही काम है, हम दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं. ऑफ बींग हेल्पफुल, हम दूसरों की मदद कर सकते हैं. देयर आर हंग्री पीपल इन द स्ट्रीट, आपने देखा होगा कि कुछ लोग भूखे होते हैं, रोड पर भटकते रहते हैं. पीपल हु कैन नेदर रीड और नॉर राइट, जो लोग कभी पढ़ लिख नहीं सकते. एडरली पीपल हुज काइंडलीनेस कुड गेट अ ब्रेक विद सम कंपनी, और बड़े बड़े लोग जो कि जिनके जो काइंडलीनेस जो होते हैं, मतलब जो दयालु होते हैं, कुड गेट अ ब्रेक विद सम कंपनी, जिनका साथ छूट जाता है. स्ट्रीट विथ लिटर, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे पपीज रोड पर घूमते रहते हैं. एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर लिटिल थिंग्स दैट नीड टू बी डन, और बहुत सारे से कई लोग हैं, कई जानवर हैं और कई पक्षी हैं जिन्हें हमारी जरूरत होती है. ऑल वी नीड इज टू फोकस ऑन सम लिटिल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, और इसलिए जरूरत है इन सब चीजों पर फोकस करने की. विच वी कैन डू राइट नाउ, जो कि हम अभी से कर सकते हैं, हम लोगों की मदद कर सकते हैं. अ स्मॉल गिफ्ट ऑफ वॉलंटियर वर्क फ्रॉम फॉर द नीडी मेक्स द सम ऑफ लाइफ, अब देखिए हमारे जो कर्म होते हैं वही हमें आगे बढ़ा कर ले जाते हैं, हमारे लाइफ को में अच्छी चीजें हमारे साथ होने लगती है. तो हमें भी वॉलंटियर वर्क करना चाहिए, मीन्स हमें छोटे छोटे काम करना चाहिए दूसरों की मदद करके. वी गेट सेटिस्फेक्शन एज ऑल्सो द जॉय ऑफ बींग यूजफुल, अगर हम दूसरों के काम आते हैं तो ये तो बहुत बड़े आनंद की बात होती है और उससे हमको सेटिस्फेक्शन भी मिलता है. एंड सर्विसेबल टू अदर्स, हम दूसरों की सर्विस कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं. वी डोंट हैव टू गो वेरी फार टू प्रैक्टिस रेंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस, ऐसे रेंडम हम अगर एक दूसरे की मदद करते रहें तो ये प्रैक्टिस करते रहें तो हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो नीडी हैं और जिनकी हम मदद कर सकते हैं. इफ वी डिसाइड ऑन मेकिंग एन इलिटरेट पर्सन अ लिटरेट वन, अगर हम डिसाइड कर लें, निश्चय कर लें कि हमें किसी भी अनपढ़ व्यक्ति को पढ़ाना लिखाना है, उसे साक्षर बनाना है. वी शैल फाइंड वन अवेलेबल जस्ट इन अवर ऑन नेबर, और आप देखोगे कि आपके पड़ोस में आपको मिल जाएगा कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, आप उसको बिठा के पढ़ा सकते हैं और उसको शिक्षित कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं. सेवरल ओकेजन्स फॉर पर्सनल सर्विस शो अप, और कई सारे ओकेजन्स होते हैं जिसपे आप सर्विस दे सकते हैं. शो अप इवन वैन वी आर बिजी विथ अवर ओन रूटीन, हम जब अपने खुद के रूटीन के साथ बिजी होते हैं तब भी हम ये काम कर सकते हैं. दस इफ वी एंगेज अवर सेल्स इन डूइंग समथिंग, इस तरह से अगर हम अपने आप को किसी काम में एंगेज कर लें, एनी थिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस और टू सोसाइटी, इस तरह से हम समाज की सेवा भी कर सकते हैं, दूसरे कामों को, मतलब जो अनवॉन्टेड थिंग है उनको ना करते हुए हमें ये काम करने चाहिए. वी शैल फील द जॉय ऑफ गिविंग, इससे हमें देने का सुख मिलेगा. एंड विल हेल्प मेक अवर वर्ल्ड सर्टनली अ बिट ब्राइटर, और इससे हमारे जो देश है उसका भविष्य भी चमकेगा, इवन हमारा जो वर्ल्ड है वो भी ब्राइट हो जाएगा. नाउ वी टॉकिंग अबाउट द मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक के बारे में तो सब जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू कैन ऑल्सो राइट बाई सेल्फ. मॉर्निंग वॉक इज नॉट ओनली एंजॉयबल बट ऑल्सो एक्सट्रीमली गुड फॉर हेल्थ, मॉर्निंग वॉक जो होती है वो एंजॉयबल तो होती है लेकिन हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है. द एटमोसफियर एट मॉर्निंग टाइम इज इंडीड वेरी प्लीजेंट, और एटमोसफियर जो होता है मॉर्निंग का बहुत ही प्लीजेंट होता है क्योंकि सुबह सुबह की फ्रेश एयर हमको मिलती है. एज वी मूव आउट, जैसे कि हम बाहर जाते हैं, वी एंजॉय द मॉर्निंग ब्रीज, हम ठंडी ठंडी हवा को महसूस करते हैं, एंजॉय करते हैं, एंड फील रिफ्रेश एंड एक्टिव, और हम अपने आप को रिफ्रेश और एक्टिव महसूस करते हैं. इवन इन लार्ज सिटीज, और आपने देखा होगा बड़े शहरों में देयर आर स्ट्रेस ऑफ
stretches of open spaces and parks and we could choose anyone for the joy of walking. आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में आजकल पार्क बन चुके हैं, लोग वहां जाकर वॉकिंग का, मॉर्निंग वॉक का एंजॉयमेंट, मतलब आनंद उठाते हैं. बट वी इफ वी हैपन टू बी इन द कंट्री साइड, लेकिन अगर हम कंट्री साइड जाएं, वी कम अपॉन ब्यूटिफुल साइट्स ऑफ द ओपन लैंडस्केप. तो हम वहाँ क्या देखेंगे, ओपन लैंडस्केप को देखेंगे और वहाँ की जो ग्रीननेस है, वहाँ की जो मतलब जो कंट्री साइड, जैसे कि जो गांव का एरिया होता है, अगर हम वहाँ की बात करें तो वहाँ पे आपको बहुत फ्रेश एयर मिलती है और वहाँ पे आपको मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में आने की जरूरत नहीं है, बल्कि वहाँ का जो पूरा एरिया होता है वो पूरा पार्क ही जैसा ही लगता है. फील्ड्स एंड मिडोज, गार्डन एंड लेक्स. आपने देखा होगा कि वहाँ पे खेत होते हैं, मिडोज होते हैं, मतलब घास के मैदान होते हैं, गार्डन होते हैं और लेक होते हैं, तालाब होते हैं. हिली टेरेंस वुवन विथ ग्रोव्स एंड वैलीज. आपने देखा होगा कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जहाँ पे क्या होती है, जहाँ पे घास उगी हुई होती है तो बहुत ही सुंदर लगती है. वैलीज मतलब घाटियाँ बहुत सुंदर लगती हैं. फाउंटेन्स होते हैं, वाटरफॉल्स होते हैं, स्ट्रीम्स एंड रिवलेट्स, ये सारी चीज़ें बहुत देखने में बहुत आनंदित लगती है. देयर इज अ म्यूजिक ऑफ द अर्ली बर्ड एंड मेलो ग्लो ऑफ द राइजिंग सन. और जब सुबह सुबह जब पक्षी चहचहाते हैं तो उनका जो चहचहाने की जो आवाज़ है बहुत ही आनंदित करती है. इवन जो राइजिंग सन, उगता हुआ सूरज, वो हमारे मन को इतनी खुशी देता है, ऐसा लगता है कि अब हमारे जो लाइफ है वो भी ब्राइट हो चुकी है. ऑल दिस एंड एक्टिव ब्रिस्क वॉक डू रिजुविनेट आस. और ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारी लाइफ को रिजुविनेट करती हैं, मतलब कि वापस से जैसे बोलते हैं ना एक तरह से वॉल को मरम्मत करना, ऐसे ही हमारे जीवन को भी मरम्मत करती है, रिजुविनेट करती है. एंड सेट अस अ टोन टू द डे अहेड ऑफ अस. और ये मतलब हमारा जो दिन है उसको पूरा फ्रेश कर देती है. द फ्रेश एयर दैट वी ब्रीथ इन एट दिस आवर प्योरीफाइज अवर नर्व्स बिसाइड्स गिविंग अस द पीस एंड द काम. आप देखिए ये जो हम फ्रेश एयर लेते हैं वो हमें हमारे माइंड को, हमारी आत्मा को, हमको संतुष्टि देती है, इंटरनली हमको सुख देती है और शांति देती है. हमारी सारी नर्व्स को, हमारी बॉडी की सारी नर्व्स को प्योरीफाई करती है. विच आर सो वेरी इसेंशियल फॉर द राइट आउटपुट. और वो राइट आउटपुट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. द डे गोज फाइन एंड वी डोंट फील द फटीग. और अगर हम जो सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करते हैं तो हमारा जो दिन है बहुत अच्छा निकलता है और हमें हमें थकान भी नहीं होती. ऑफ द लेबर्स इन स्टोर फॉर अस फॉर द डे. और हमें जो थकान भी नहीं होती है, दिन भर हमारे अंदर एनर्जी स्टोर रहती है. द बेनिफिट्स आर न्यूमरस एंड ऑल दैट वी आर रिक्वायर्ड टू डू इज टू बिकम एन अर्ली राइजर. देखिए मॉर्निंग वॉक के तो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, अगर हम बात करें तो लिस्ट बनेगी पूरी. लेकिन अर्ली राइजर मतलब जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, ये हमें माइंड में रखना चाहिए और ऐसा ज़रूरी भी है. टू वेलकम द राइजिंग सन अ लिटिल आउटसाइड एंड रेसिडेंस. आपके घर के बाहर, आपके रेसिडेंस के पास लिटिल जो सन, राइजिंग सन है, आप उसको देखिए और रोज मॉर्निंग वॉक कीजिए. Now we're talking about an ideal teacher, एक आदर्श शिक्षक. An ideal teacher is an ideal in everywhere. Ideal teacher जो होता है वो हमेशा ideal ही होता है. He possesses good qualities of head and heart. उसके दिलो दिमाग में good qualities यानी अच्छी आदतें होती हैं, अच्छे गुण होते हैं. He has innate love for his students. वो हमेशा अपने students के लिए अपने मन में क्या रखता है, प्रेम रखता है. He practices what he preaches and preaches what he practices. वो वही चीज़ें बताता है जो वो खुद करता है ना, मतलब वो आपको वो काम करने को बिल्कुल नहीं कहता है जो उसने बिल्कुल नहीं किया हो. तो हमेशा सबसे पहले वो वही काम, जो काम करता है वो खुद ही अच्छे कर्म वही बच्चों को ही सिखाता है. He leads his students by a personal example only. और हमेशा वो personally example देकर ही अपने बच्चों को, अपने students को सिखाता है. He feels a genuine concern for the welfare. और हमेशा वो बच्चों की खुशी के लिए, बच्चों के सुख के लिए काम करते रहता है. Progress and happiness of his students. अपने बच्चों की progress के लिए, happiness के लिए, उसके उनके सुख के लिए हमेशा वो concern रहता है और अच्छे मतलब हमेशा अच्छा ही अपने बच्चों के लिए सोचता है.
ही हेल्प्स देम डिस्कवर देयर इंडिविजुअल टैलेंट्स। अपने बच्चों के लिए वो अपने बच्चों के अंदर वो क्या ढूंढता है, हर एक बच्चे के अंदर टैलेंट ढूंढता है। ही मोटिवेट्स हिम टू सक्सीड एंड कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड देयर पर्सनल अचीवमेंट। अब जो अच्छा टीचर होता है वो बच्चों को हमेशा मोटिवेट करता है, इवन उनके जो पर्सनल अचीवमेंट्स होते हैं उनके लिए भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ही हैज साउंड नॉलेज ऑफ ही सब्जेक्ट, और हमेशा उसके पास जो भी सब्जेक्ट का नॉलेज होता है हमेशा वो उसके बारे में ही डिस्क्राइब करता है या बताता है। ही कीप्स फुली अपडेटेड इन चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हिज सब्जेक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम, और टाइम टू टाइम उनके जो सब्जेक्ट का नॉलेज है उसमें जो भी अपडेशन होते रहते हैं वो उनको अपडेट कर, मतलब जो भी चेंजेस होते हैं उसको अपडेट करते रहता है। फुली इक्विप्ड विद मॉडर्न ट्रेंड्स, और वो हमेशा फुली क्या होता है, इक्विप्ड होता है, मतलब कि उसके पास जब भी वो क्लास में एंटर करे आपसे मिले तो उनके पास वो सारी चीज़ें होती हैं जो जिनकी उनको ज़रूरत होती है, जैसे बुक्स हैं, पेंसिल हैं, रबर हैं, मतलब सारी स्टेशनरी की चीज़ें उनके पास अवेलेबल होती हैं। मॉडर्न ट्रेंड्स इन टीचिंग एंड एड एंड अपडेट ऑफ टीचिंग टेक्निक, और जो टीचिंग टेक्निक की अपडेशन होती है वो सब उनके पास होती हैं। ही वर्क्स टू क्रिएट अ लर्निंग एनवायरनमेंट, वो हमेशा एक लर्निंग का एनवायरनमेंट बनाए रखते हैं। फॉर हिज स्टूडेंट एंड दस एनरिच देयर नॉलेज, और अपने स्टूडेंट्स के लिए मॉडर्न अपने स्टूडेंट्स के लिए एक लर्निंग का एनवायरनमेंट बना के रखते हैं। दस एनरिच देयर नॉलेज, और इस तरह से उनका जो नॉलेज है वो सारे बच्चों तक पहुँचता है। His class is always lively and motivated, उनकी जो क्लास है हमेशा लाइव होती है, मतलब कि सारे बच्चे जो है वो उनके तरफ देखते रहते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते रहते हैं, उनकी बात को सुनते समझते रहते हैं। एंड मोटिवेटेड, उनकी क्लास हमेशा मोटिवेटेड होती है। He becomes a facilitator and helps students in the art of them, वो हमेशा बच्चों की सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, इवन बच्चों के अंदर जो कला है उसका भी ध्यान रखते हैं। He enjoys working with them on all educational and personal development programs, और हमेशा उन programs के साथ वो enjoy करते रहते हैं, जैसे कि educational programs होते हैं जितने भी, और जितने भी PD personality development के programs होते हैं उनके साथ enjoy करते हैं। He helps his students develop a sense of values and ethics to strengthen their character, बच्चों की पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, इवन उनका जो कैरेक्टर है उसको डेवलप करने के लिए हमेशा वो काम करते रहते हैं और उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाते रहते हैं, सेंस ऑफ वैल्यूज भी बताते रहते हैं। ही कंसिस्टेंटली वर्क्स टुवर्ड्स सेल्फ डेवलपमेंट, वो हमेशा सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ही बच्चों को प्रेरित करते हैं। As not to lose the love and respect of his students, और वो अपने students का इतना ध्यान रखते हैं कि कभी भी उनसे love या respect को नहीं खोते। तो dear students, ये था an ideal teacher के ऊपर paragraph। Now the next one is my pet, मेरा पालतू। अब आपके पास जो भी pet है हम उसके बारे में लिख सकते हैं। I have a German shepherd as my pet, मेरे पास pet के रूप में एक German shepherd है, and I absolutely adore him, और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। He is so cute and buddy, और वो बहुत ही प्यारा है और बहुत ही फ्रेंक है। His name is Dazzle, उसका नाम क्या है, Dazzle। And we are the best of friends, और हम दोनों क्या है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक लड़का है या लड़की जो भी है वो अपने पेट के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, इस तरह से आप भी अपने पेट के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। He never fails to make me cheerful, वो कभी भी He is very protective of me, वो हमेशा मेरे लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव महसूस करता है और प्रोटेक्टिव रहता है। मी फील सेज व्हेन आई एम अलोन एट होम, जब भी मैं घर पे रहता हूँ तो हमेशा मेरे साथ रहता है और मेरी रक्षा करता है, मुझे प्रोटेक्ट करता है। ही नेवर फेल्स टू मेक मी चेयरफुल, और वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करता है जिससे कि मैं नाराज हूँ, और हमेशा मुझे खुश करने में लगा रहता है। स्पेशली इन द मॉर्निंग, सबसे ज़्यादा वो मॉर्निंग टाइम में मेरे साथ रहता है और मुझे खुश रखता है। ही लव्स टू गो फॉर अ वॉक विद मी, और वो उसे मेरे साथ सुबह सुबह वॉक पे जाना बहुत पसंद है। एंड वॉन्ट्स टू अकंपनी मी वेयर एवर आई गो, मैं जहाँ भी जाता हूँ हमेशा मेरे साथ साथ चलता रहता है। विथ हिज टंग लॉलिंग एंड टेल वैगिंग, वो हमें अपनी जीभ को लटकाया रहता है और पूछ को हिलाते हुए चलता रहता है। रेडी टू गिव मी अ हार्टी वेलकम, और सुबह सुबह वो मेरे वेलकम के लिए हमेशा रेडी रहता है।
At times he even gets angry with me. कभी कभी वो मुझसे नाराज भी हो जाता है. But what binds us is his unflinching loyalty and devotion to me. लेकिन उसका प्रेम जो है उसने ही हम दोनों को बांधे रखा है. एक अटूट विश्वास है, एक अटूट लॉयल्टी है, मतलब वो बहुत वफादार है और वो मेरे लिए डिवोटेड भी है. If I am ever upset, कभी जब भी मैं upset या दुखी हो जाता हूँ, I just sit and talk things out with him. मैं उसके पास बैठ जाता हूँ और मैं उसे सारी बातें शेयर करता हूँ. He just sits and listens intently. और वो भी मेरे पास बैठ जाता है, मेरी बात को ध्यान से सुनता है. I guess that is the best part of having a pet. और मैं सोचता हूँ कि pet हमारे पास होना एक बहुत ही अच्छा part होता है. Someone who can sit and listen to you and not make judgment. हर कोई आपके पास बैठ तो जाएगा आपकी बात सुनने का, लेकिन जजमेंट नहीं कर पाता है. लेकिन जो हमारे पेट होते हैं, अगर आप उनके पास बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके वो फ्रेंड्स हैं और वो आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं. इसलिए यहाँ कहा गया है कि मुझे लगता है कि पेट का होना हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो ऐसे होते हैं जो कि हमारी बात को ध्यान से सुनते हैं. Even if I hit him or scold him, जब कभी मैं उसको मार देता हूँ या उसको डांट देता हूँ, he still loves me, लेकिन वो मुझसे फिर भी प्यार करता है. That's unconditional love. और ये क्या है, हमारे बीच में unconditional love है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ टॉपिक्स, कुछ पैराग्राफ जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किए, और बाकी जो पैराग्राफ्स नीचे दे रखे हैं वो आपको खुद सर्व करना होंगे. कुछ टॉपिक्स जो है वो मैं डिस्क्राइब कर दूंगी, लेकिन बाकी आपको करना होंगे. थैंक यू.